हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूँ सुनीता कंवर और आज के वीडियो के अंदर हम जो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है हमारे पास 4 सेमेस्टर का, उसके जो फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट है जनरल फार्माकोलॉजी, उसके अंदर से कुछ एमसीक्यूज जो है हम आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज जो है वो अगर किसी के ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं तो वहाँ तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ ये क्वेश्चन जो है वो जीपैट के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन विद कंप्लीट सोल्यूशन जो है हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एंड इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चंस जो हमें डिस्कस करने वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इज ओरल रूट इज नॉट सुटेबल फॉर अ ड्रग दैट इज। तो जो ओरल रूट होता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, वो कौन से जो ड्रग है उसके लिए सुटेबल नहीं रहता है। तो सबसे पहला आता है अनपैलेटेबल इन टेस्ट, मतलब ऐसी ड्रग जिसका टेस्ट जो है वो ठीक नहीं होता है। सेकेंड इज हाई प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म, मतलब ऐसी ड्रग जिसका जो प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म होता है वो हाई होता है। एंड थर्ड इज़ लो ओरल बायो अवेलेबिलिटी, मतलब जिसकी जो ओरल बायो अवेलेबिलिटी होती है वो कम होती है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन होगा। ओरल रूट जो होता है, ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो ऐसी ड्रग्स के लिए सुटेबल नहीं होता जिनका टेस्ट जो है वो अनपैलेटेबल होता है, जिनका मेटाबॉलिज्म जो है प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म वो हाई होता है एंड जिसकी ओरल बायो अवेलेबिलिटी कम होती है। इन सब के लिए ही जो ओरल रूट है ड्रग का वो सुटेबल नहीं होता है। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द गिवन प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग। तो गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एनर्जी की ज़रूरत होती है जब ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है उस टाइम पर। फर्स्ट इज पैसिव डिफ्यूजन, सेकेंड इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, थर्ड इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड फोर्थ इज एंडोसाइटोसिस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंड ऑप्शन होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो प्रोसेस होता है ड्रग के एब्जॉर्प्शन का, उसके अंदर एनर्जी जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एंटागोनिस्ट हैज, तो जो एंटागोनिस्ट है उसके लिए गिवन ऑप्शन में से कौन से पॉइंट जो है वो सही है। फर्स्ट इज एफिनिटी एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी, मतलब एक एंटागोनिस्ट है उसकी एफिनिटी होती है, मतलब रिसेप्टर से बाइंड हो सकता है, एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी होती है, मतलब बॉडी के अंदर जाकर के वो कुछ इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। सेकेंड इज ओनली इंट्रिंसिक एक्टिविटी, थर्ड इज ओनली एफिनिटी एंड फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। हमें पता है कि एक एंटागोनिस्ट होता है वो रिसेप्टर से जाकर के बाइंड होता है, वहाँ पर एगोनिस्ट को बाइंड नहीं होने देता है, कोई जो इफेक्ट एगोनिस्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है उसे प्रोड्यूस नहीं होने देता। तो इससे हमें यह पता चलता है कि एंटागोनिस्ट जो उसकी सिर्फ और सिर्फ एफिनिटी होती है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होती। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइमरी रूट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स एंड देयर मेटाबोलाइट इज। तो जो प्राइमरी रूट होता है ड्रग्स के एक्सक्रीशन एंड उनके मेटाबोलाइट्स के एक्सक्रीशन के लिए वो कौन सा होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज बाइल, सेकेंड ऑप्शन इज यूरिन, थर्ड ऑप्शन इज सलाइवा एंड फोर्थ ऑप्शन इज स्वेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंड ऑप्शन होगा। जो प्राइमरी रूट होता है ड्रग्स एंड उनके मेटाबोलाइट के एक्सक्रीशन के लिए वो जो है वो यूरिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमाउंट ऑफ ड्रग इज रिड्यूस्ड बिफोर एंटरिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन इज नोन एज। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंचने के पहले जो ड्रग का अमाउंट कम होता है उस चीज़ को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन, सेकेंड ऑप्शन इज बायो ट्रांसफॉर्मेशन, थर्ड ऑप्शन इज फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इसका जो करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन होगा। कोई भी ड्रग हम लोग लेते हैं एंड वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंचने के पहले उसका अमाउंट कम हो जाता है, तो इस चीज़ को जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। एंड ये इसलिए होता है क्योंकि ड्रग जो है वो लिवर से पास होती है, तो वहाँ पर उसकी जो कंसंट्रेशन होती है उसका जो अमाउंट होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेट ऑफ प्रॉपर्टीज दैट कैरेक्टराइज द इफेक्ट्स ऑफ अ ड्रग ऑन द बॉडी इज कॉल्ड। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ का सेट जो क्या करता है कि एक ड्रग जो है वो बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट करती है उस चीज़ को बताता है, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं। तो हमने दो टर्म्स पढ़ी थी, एक तो फार्माकोडायनामिक्स एंड एक फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो ड्रग से क्या कर रही है, मतलब व्हाट आर बॉडी डज टू द ड्रग, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो इन चारों के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये पता चलता है कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है। दूसरी तरफ होता है फार्माकोडायनामिक्स, इसका मतलब ये होता है व्हाट ड्रग डज टू आर बॉडी, मतलब जो ड्रग है वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर के क्या करती है, तो वो रिसेप्टर से बाइंड होकर के एक्शन प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है कि जो कोई भी ड्रग है वो हमारी बॉडी के ऊपर क्या करती है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं। तो उसे सिंपली फार्माकोडायनामिक्स कहेंगे, क्योंकि ड्रग बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट करती है उसे फार्माकोडायनामिक्स कहा जाता है। तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स मेनली अकर्स इन, तो जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स होता है मतलब ड्रग को हम लोग लेते हैं तो साइट ऑफ एक्शन पर जो कंसंट्रेशन या अमाउंट पहुंचती है वो कम हो जाती है, तो ये चीज़ जो है वो मेनली कहाँ पर होती है? फर्स्ट ऑप्शन इज लिवर, सेकेंड ऑप्शन इज स्किन, थर्ड ऑप्शन इज किडनी एंड फोर्थ ऑप्शन इज ब्रेन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा लिवर। लीवर जो है इसके अंदर मेनली फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो होता है, क्योंकि ड्रग को जब हम ओरल रूट से लेते हैं तो वो लीवर से भी पास होती है, तो उससे क्या होता है कि उसके कंसंट्रेशन या अमाउंट जो है वो कम हो जाती है। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो मेनली लीवर के अंदर होता है, एंड जिन ड्रग्स को हम ओरल रूट से लेते हैं उनके अंदर मेनली फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेट ऑफ प्रोसेस दैट ह्यूमन बॉडी परफॉर्म ऑन द ड्रग इज कॉल्ड। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग। तो ये चीज़ अभी हमने देखी थी कि दो टर्म्स होती है, फार्माकोडायनामिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। तो ह्यूमन बॉडी जो है वो ड्रग के साथ क्या प्रोसेस होता है उसका, तो उस चीज़ को जो है फार्माकोकाइनेटिक्स कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्जेस्ट फैमिली ऑफ रिसेप्टर्स इज, तो गिवन ऑप्शन में से कौन सी जो फैमिली ऑफ रिसेप्टर्स है वो सबसे बड़ी होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज एंजाइमेटिक रिसेप्टर, सेकेंड ऑप्शन इज जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, थर्ड ऑप्शन इज इंट्रिंसिक आयन चैनल रिसेप्टर एंड फोर्थ ऑप्शन इज न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंड ऑप्शन होगा, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो है ये लार्जेस्ट फैमिली होती है रिसेप्टर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिक्वायरमेंट ऑफ हायर डोज टू प्रोड्यूस डिजायर्ड रिस्पॉन्स इज नोन एज, मतलब कोई भी एक ड्रग है उसका हमें हायर डोज चाहिए सेम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज टॉलरेंस, सेकेंड ऑप्शन इज ड्रग एब्यूज, थर्ड ऑप्शन इज टैकीफाइलैक्सिस एंड फोर्थ ऑप्शन इज इडियोसिंक्रेसी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन होगा। टॉलरेंस के अंदर क्या होता है कि सेम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए थोड़ा ज़्यादा डोज ऑफ ड्रग जो है वो चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थेरापेटिक इंडेक्स ऑफ अ ड्रग इज रिलेटेड टू इट्स, तो जो थेरापेटिक इंडेक्स होता है एक ड्रग का वो किस चीज़ से रिलेटेड होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज इट्स एफिकेसी, सेकेंड ऑप्शन इज इट्स पोटेंसी, थर्ड ऑप्शन इज इट्स सेफ्टी एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन होगा। थेरापेटिक इंडेक्स जो है वो रेशियो होता है लीथल डोज ऑफ ड्रग टू इफेक्टिव डोज ऑफ ड्रग, ठीक है? तो ये क्या बताता है कि एक ड्रग जो है वो कितनी सेफ है पेशेंट के लिए, इस चीज़ को थेरापेटिक इंडेक्स जो है वो इंडिकेट करता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, दैट इज सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट अ पेरेंट्रल रूट, तो गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो पेरेंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन इज इंट्रामस्क्यूलर, सेकेंड ऑप्शन इज इंट्रावीनस, थर्ड ऑप्शन इज सबक्यूटेनियस एंड फोर्थ ऑप्शन इज सबलिंगुअल। तो इसमें से करेक्ट आंसर जो है फोर्थ ऑप्शन होगा। सबलिंगुअल जो है ये कोई पेरेंट्रल रूट नहीं होता। सबलिंगुअल का मतलब ये होता है किसी ड्रग को ऐसे जीभ के नीचे रख के लिया जाता है तो उसे सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। बाकी तीनों जो है वो पेरेंट्रल रूट होते हैं, मतलब इन्हें इंजेक्शन के थ्रू जो है बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉलेटाइल ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय, तो जो वॉलेटाइल ड्रग्स होती है उसे किस रूट से एडमिनिस्टर करा जाता है बॉडी के अंदर? फर्स्ट ऑप्शन इज इनहेलेशन रूट, सेकेंड ऑप्शन इज सबलिंगुअल रूट, थर्ड ऑप्शन इज इंट्रामस्क्यूलर एंड फोर्थ ऑप्शन इज इंट्रावीनस। सो इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन होगा। जो वॉलेटाइल ड्रग्स होती हैं इन्हें बॉडी के अंदर इनहेलेशन रूट के थ्रू जो है एडमिनिस्टर करा जाता है, मतलब इन्हें नोज से इनहेल करके बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थेरापेटिक इंडेक्स ऑफ अ ड्रग इज, तो जो थेरापेटिक इंडेक्स होता है एक ड्रग का वो गिवन ऑप्शन में से क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज LD50 डिवाइडेड बाय ED50, सेकेंड ऑप्शन इज ED50 डिवाइडेड बाय LD50, थर्ड ऑप्शन इज LD50 माइनस ED50 एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन होगा। थेरापेटिक इंडेक्स जो है ये होता है रेशियो ऑफ लीथल डोज ऑफ ड्रग टू इफेक्टिव डोज ऑफ ड्रग। सो इस रेशो के अंदर लीथल डोज ऑफ ड्रग वो डोज ऑफ ड्रग होता है जो 50% पेशेंट्स को किल करता है, एंड इफेक्टिव डोज ऑफ ड्रग वो डोज ऑफ ड्रग होता है जो 50% पेशेंट्स को ठीक करता है, ठीक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नाउ लास्ट क्वेश्चन जो हमें आज डिस्कस करना है वो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ अ ड्रग मे अकर इफ इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है ड्रग का वो कब होता है, उसे किस रूट से एडमिनिस्टर करते हैं तब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज सबलिंगुअल रूट, सेकेंड ऑप्शन इज नेजल रूट, थर्ड ऑप्शन इज ओरल रूट एंड फोर्थ ऑप्शन इज इनहेलेशन रूट। तो इसके अंदर से सही आंसर जो है करेक्ट आंसर वो थर्ड ऑप्शन होगा। जब ड्रग को ओरल रूट से दिया जाता है तो जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उसका होता है, मतलब अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो डिक्रीज हो जाती है जो साइट ऑफ एक्शन पर पहुंचनी होती है, ठीक है? तो यहाँ पर हमें आज जो क्वेश्चंस डिस्कस करने थे वो हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिए। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड इसके PDF जो है वो आपको टेलीग्राम
टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करना।